भारत देश में कई जातियां निवास करती है और हर जाति की अपनी अपनी संस्कृति है। उन्हीं में एक है आदिवासी समाज की प्राचीन संस्कृति पवित्र पिथोरा आर्ट। जी हाँ, पिथोरा पेंटिंग कपड़े या फिर दीवार पर बनाई जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक आदिवासी समाज के लोग इसे अपने घर की दीवार पर बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब यह समाज अन्य लोगों को भी यह कला सिखा रहा है, इसलिए अलीराजपुर में इसका शिविर लगाया गया है। पिथोरा पेंटिंग में आदिवासी समाज की संस्कृति झलकती है। इस पेंटिंग में प्रकृति, जंगल, जमीन और पानी की महत्वता को दर्शाया जाता है। आदिवासी समाज के लोग आज भी त्योहारों पर इसे अपने घर पर बनाकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन यह कला विलुप्त होती जा रही है। अब इस कला को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले और इस कला का नाम देश और विदेशों में भी बने, इसको लेकर जिला प्रशासन अलीराजपुर ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें शिविर आयोजित कर इस कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाया जा रहा है, ताकि इस प्राचीन कला को जीवित रखा जा सके। एक्सटेंशन बाइट थावर सिंह भूरिया बाइट केल बाई व्यो। कपड़े पर अपने हाथों से ये महिलाएं पिथोरा पेंटिंग बनाना सीख रही हैं। आपको बता दें कि पिथोरा पेंटिंग धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इस कला को बनाने वाले जिले में 2 या 3 ही बचे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने इस कला को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। सबसे पहले जोबट में एक शिविर आयोजित कराया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिथोरा पेंटिंग को बनाना सिखाया जा रहा है। एक्सटेंशन बाइट कपिल सूर्यवंशी बाइट पूजा देव। इस कला के जरिए न केवल संस्कृति को बचाने का काम किया जा रहा है, बल्कि प्रकृति के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, अलीराजपुर।